मेरा नाम कन्हैया लाल जोशी है, नर्मदा विहार कॉलोनी में रहता हूँ। मैं पहले मंडलेसर में चाय की दुकान चलाता था, उसके बाद में मैंने कहने का मतलब मेरे को वो जैसे सर्व राजीव गांधी सर एक मुख्यमंत्री सर्व रोजगार योजना के अंतर्गत मैंने 1 लाख का लोन लिया। लोन में मेरे को 25,000 अनुदान राशि भी मिली और मैंने भर भी दिया और फिर हमने व्यवसाय चला करा फिर एकदम उसके कारण हमने धंधा भी थैला भी नया बना लिया न। फिर लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन लगते 20-22 दिन तो हम घर में गुजारे। उसके बाद में हमने होम डिलीवरी का एक नया व्यवसाय चालू करा, उसमें मेरी लड़की और वाइफ का काफ़ी योगदान रहा। इनके बगैर वो धंधा अधूरा था, इनका योगदान नहीं होता तो मैं कर नहीं सकता था। उसके कारण हमारी मजदूरी भी हमको लगी नहीं और वो पैसा हमको बचता भी गया और मेरा ये व्यवसाय सक्सेसफुल रहा। इससे मेरे क्या जैसे 5 किलोमीटर के दायरे में घुमा करा, सब मेरे पहचान वाले ग्राहक भी बन गए। लोग मोबाइल भी करते हैं, उनको ऑर्डर गरम गरम नाश्ता मिल जाता है, समोसा पोहा मूंग का आलू बड़ा ब्रेड बड़ा मिर्ची भजिया, समोसा 10 का आलू बड़ा 10 का ब्रेड बड़ा हम 20 का देते हैं और हर किसी को हमारा नाश्ता पसंद था। लोगों ने बाहर से नाश्ता लाना बिल्कुल बंद कर दिया था, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ उन्हें तो क्यों उन्हें 2 घंटे में भी जाता हूँ तो नाश्ता मेला ही लेते थे, क्योंकि बहुत से लोग बाहर से मार्केट से लाते थे वो नाश्ता टोटल बंद कर दिया। जब से मैंने ये 5 किलोमीटर के दायरे में व्यवसाय चालू करा है तो महिलाओं को बहुत खुशी हुई, जिसके कारण उनको क्या आए दिन बाहर जाना पड़ता था वो उनको जाना नहीं पड़ता है। और दूसरी बात, स्कूल के टाइम पे बच्चों को गरम गरम नाश्ता मिल जाता है और साफ़ सुथरा मिल जाता है और एक हाथ का माल रहता है, ना कोई कचरा ना मिट्टी ना धूल, एकदम फ्रेश नाश्ता मिलता है। ये कैसे आपने इसका ये कैसा आइडिया कहाँ से आया आपको कि हम यार गाड़ी लेकर के घर जाएं? ये तो अब ऐसा है कि हमको धीरे धीरे जैसे बच्चों के ना हमारे दिमाग में बैठा तो हमने चालू कर दिया, तो जैसे जैसे चला करा जैसे जैसे तो भी हमने मार्केट खुल गया, लॉकडाउन खुल गया, उसके बाद में भी मेरे धंधे पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि मेरे ग्राहक सब मजबूत थे और फिक्स हो गए थे। आज तक मैं चला रहा हूँ, लॉकडाउन खुलने के बाद में भी तो मेरे धंधे पे कोई असर नहीं पड़ा और बढ़ गया। कहने का मतलब अभी ये आप जो घर घर जा कर के नाश्ता लोगों को बांट रहे हैं, खिला रहे हैं, बेच रहे हैं, हाँ, कितनी आमदनी हो जाती है इसमें? हमारे क्या तमाम को एक तो मजदूरी लगती नहीं है, घर के सब बनाने वाले हैं, हमको इनकी मजदूरी देना नहीं पड़ती है। इसके कारण हमने जो बैंक ऑफ इंडिया से 8 लाख का लोन लिया है उसकी हम किस्त समय पे भर सकते हैं इसी लोन में, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई टोटल सब हम व्यवस्थित खर्चा कर सकते हैं। और अच्छा है, अभी भी लॉकडाउन खुलने के बाद में भी मार्केट पूरा चालू हो गया, बाकी मेरे धंधे पे कोई असर नहीं है, चल रहा है, अच्छा चल रहा है। क्या नाम है आपका? मंजू जोशी। आपके हस्बैंड होटल चलाते हैं? चलित होटल। हाँ, चलित होटल। घर घर जाते हैं? घर घर होम डिलीवरी, हाँ, मोहल्ले मोहल्ले कॉलोनियों में, फिर इधर हमारे यहाँ सोनिया नगर वगैरह ऐसे ही वहाँ लोगों की बर्थडे पार्टी वगैरह कुछ ऐसी होती है वहाँ पे भी बुलाते हैं लोगों में। फोन पे भी नाश्ता देने जाते हैं? हाँ। क्या नाश्ते में आप लोग भी सहयोग करते हैं बनाने में, उनके व्यापार में? हाँ, मैं और मेरी गुड़िया दोनों। क्या करते हैं आप सहयोग में? सहयोग में हम बना के रोज मतलब बना के हम ही देते हैं तो वो बेचने जाते हैं सब। ये नाश्तों में क्या क्या बनाते हैं आप? समोसा ब्रेड वड़ा मिर्ची की भजी है, आलू बड़े और पोहे हैं, चाय हैं। बाजार में बहुत सारे दुकानें हैं, उसके बाद भी आपकी ये जो चलित दुकान है इतनी चलती है, क्या कारण है इसका? टेस्ट। टेस्ट बढ़ाने के लिए क्या मिलाते हैं मसालों में या कैसे बनाते हैं? उसमें गरम मसाला वगैरह कुछ अलग डालते हैं हम थोड़ा। संजना जोशी। पढ़ाई करते हैं? हाँ। कौन सी? सेकेंड ईयर, BA सेकेंड ईयर। पापा का ये व्यापार चल रहा है, इसमें आप भी सहयोग करते हैं? हाँ, हम करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ सहयोग करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? अब तो जो टाइम बच जाता है वो इधर मतलब हेल्प कर लेते हैं, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, सुबह का जो टाइम रहता है वो इधर हो जाता है, फिर दिन का टाइम पढ़ाई में। दीपक पांडे,
लोकल 18 खरगो।